हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हम आज अध्ययन करेंगे राजस्थान की चित्रकला का। राजस्थान की चित्रकला पर हम इससे पहले एक जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला के विकास के बारे में जाना था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से अजंता की गुफाओं से होते हुए गुजरात से मेवाड़ किस प्रकार इसका विकास होता है, उस पर हमने बात की थी। और आज हम शुरुआत करते हैं इसके समन्वय के बारे में, यानी कि किस चित्रकला शैली के अंतर्गत जो चित्रकला की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हैं। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं चित्रकला के अंतर्गत आँखों के समन्वय को। आँखों का समन्वय, आँखों के समन्वय से सीधा मतलब है कि किस शैली के अंतर्गत किस प्रकार की आँखें जो हैं वो बनाई जाती हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की। अब नाथ द्वारा जो शैली है, नाथ द्वारा शैली में जो आँखों का जो समन्वय होता है वो हिरण और जो गाय की आँखें होती हैं उनके समान होता है। किस समान होता है? जो हिरण होता है और जो गाय होती हैं उनके समान आँखों का समन्वय होता है। तो हिरण एवं गायों की आँखों के समान, तो नाथ द्वारा शैली में हिरण एवं गाय की जो आंखें होती हैं उनके समान समन्वय होता है। नंबर दो की अगर हम बात करें तो आती है जयपुर शैली। अब इस जयपुर शैली में जो नेत्रों की जो आकृति बनाई जाती है, जयपुर मत्स्य संघ, विराट नगर मत्स्य मछली के समान, क्योंकि पहले विराट नगर मत्स्य संघ की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, तो मत्स्यन की मछली के समान नेत्र होते हैं, मछली के समान नेत्र। तीसरा जो आता है उसमें आता है आपका बूंदी, और बूंदी के साथ ही प्लस कर लीजिए कोटा को, ठीक है। बूंदी और कोटा को अगर तुम प्लस करते हैं तो इसमें जो नेत्रों की जो आकृति होती है वो आम के समान होती है। किसके समान होती है? आम के समान नेत्र होते हैं इसमें, आम के समान नेत्र होते हैं। तो इसमें आम की आकृति के समान जो है वो नेत्र होते हैं। अब चौथे पर आप ले लीजिए जोधपुर शैली। तो जोधपुर शैली में जो नेत्र की जो आकृति होती है वो होती है बादाम के अनुसार। जैसे बादाम होता है तो इसमें नेत्र जो हैं वो बादाम के समान होते हैं। इसमें नेत्र की आकृति बादाम के समान होती है। कैसी होती है? बादाम के समान होती है। और पांचवा किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली में तीर के समान, ठीक है, तीर मान लीजिए या खंजर, इनके समान जो आंखें की आकृति होती है वो बनाई जाती है। तो मैंने आप लोगों को लिखा है नाथ द्वारा शैली में किस प्रकार की आंखें होती हैं, तो इसमें हिरण एवं गायों के समान आंखें होती हैं। जयपुर शैली में जो आंखें होती है वो मछली के समान होती हैं। कोटा बूंदी में जो आंखों की जो आकृति होती है वो आंखों की आकृति
इसमें आम के समान नेत्र होते हैं। जोधपुर शैली जो है, जोधपुर शैली में इसमें नेत्र की आकृति बादाम के समान होती है, और जो किशनगढ़ शैली है इसमें तीर के समान यानी कि खंजर के समान जो नेत्र हैं उनकी आकृति होती है। ठीक है, तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसकी जो चित्रकला की जो शैली है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लिया आंखों का समन्वय। नाथद्वारा शैली में हिरण एवं गायों के समान आंखें होती हैं। जयपुर शैली में मछली के समान आंखें होती हैं। बूंदी एवं कोटा इसमें आम के समान आंखें होती हैं। जोधपुर में, जोधपुर शैली में इसमें नेत्र के समान आकृति होती है, नेत्र के समान। और किशनगढ़ शैली में तीर के समान आंखें होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेवाड़ शैली की। क्या बात करते हैं? मेवाड़ शैली की बात करते हैं। तो मेवाड़ शैली के लिए आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स सुन रखा है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसमें क्या है, इस मेवाड़ शैली जो है इसको किस नाम से और जानते हैं? उदयपुर शैली। इस मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली के नाम से जाना जाना है। अब इसके प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो कमल चंद्र का नाम आपने सुन रखा होगा, हीरा चंद्र का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो ये इस शैली के प्रमुख क्या हैं? चित्रकार हैं। कमल चंद और हीरा चंद इस शैली के प्रमुख क्या हैं? चित्रकार हैं। इस मेवाड़ शैली के बाद अगर हम बात करें नाथद्वारा शैली की, तो इसके चित्रकार जो हैं चतुर्भुज नारायण लिंगराज, तो ये इस शैली के प्रमुख क्या हैं? चित्रकार हैं। किस शैली के बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नारायण, वो नाथद्वारा शैली की। और नाथद्वारा शैली में चतुर्भुज नारायण और लिंगराज जो हैं वो प्रमुख क्या हैं? चित्रकार हैं। इसके आगे जो शैली आती है वो आती है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली, अब इस देवगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं बैजनाथ केवला। क्या नाम है उनके? बैजनाथ केवला बगला। ठीक है, तो ये इस शैली के प्रमुख क्या हैं? चित्रकार हैं। इसके बाद जो शैली आती है वो है चावड़ शैली, और चावड़ शैली का जो एकमात्र चित्रकार है उसका नाम है नासिरुद्दीन। चावड़ शैली और इसका जो एकमात्र चित्रकार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नासिरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है नासिरुद्दीन। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इसको उदयपुर शैली भी बोलते हैं। कमल चंद्र हीरा चंद्र इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। नाथद्वारा शैली में चतुर्भुज नारायण और लिंगराज इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। देवगढ़ शैली में वैद्यनाथ केवला और बगला इसके प्रमुख चित्रकार हैं। चामंड शैली में नसरुद्दीन जो है वो इसके क्या हैं? प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए इस नाथद्वारा शैली के बारे में एक बार याद रखना, इसकी दो महिला चित्रकार भी हैं, एक का नाम है कमला और एक का नाम है इलायची। ठीक है, कमला इलायची नाम याद रखना है। किसमें? नाथद्वारा शैली में। कि नाथद्वारा शैली में जो महिला चित्रकार हैं उनके क्या क्या नाम हैं तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। एक का नाम कमला है, एक का नाम इलायची है, इलायची है, कमला है, तो याद रखना है कमला इलायची के नाम से। अब आगे देखते हैं, राजस्थान की जो चित्रकला थी वो चित्रकला प्रारंभ में किससे प्रभावित थी? तो राजस्थान की चित्रकला प्रारंभ में जैन धर्म से, किससे? जैन धर्म से प्रभावित थी, जैन धर्म से प्रभावित थी, जैन धर्म से प्रभावित थी। तो याद रखना है राजस्थान की चित्रकला प्रारंभ में किससे प्रभावित थी? जैन धर्म से प्रभावित थी। राजस्थान की चित्रकला प्रारंभ में जैन धर्म से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? जैन धर्म से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? राजस्थान की चित्रकला प्रारंभ में जैन धर्म से प्रभावित थी। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है, राजस्थान की चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है। किसके समय? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय इसका क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। अब देखिए इसके काल में सर्वाधिक क्या बने? चित्र। इसके काल में सर्वाधिक चित्र जो हैं वो निर्मित हुए थे। किसके काल में सर्वाधिक चित्र निर्मित हुए थे? तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में सर्वाधिक चित्र निर्मित हुए थे। इसके अलावा चित्रकला का मेवाड़ में अलग विभाग बनाया गया। क्या बनाया जाता है? तो चित्रकला का मेवाड़ के अंतर्गत एक अलग विभाग जो है वो निर्मित करवाया गया था, वो बनवाया गया था। अब देखिए क्या क्या नाम थे उनके? नाम थे तस्वीरारो कारखानों। और दूसरी जो कारखाना था उसका नाम क्या था? चितोरो, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? चितोरो की ओबरी। ठीक है, या तो ये या ये, और लगा के लिख लेना, या ये तस्वीरारो कारखानों और चित्तौर की ओबरी। उदयपुर में चंद्रमहल जगह सुनिए, सिटी पैलेस। इसके अलावा इनके द्वारा क्या किया गया था? राजकीय चित्रकारों को संरक्षण दिया गया। क्या किया गया? राजकीय जो चित्रकार थे उन राजकीय चित्रकारों को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। तो याद रखना है स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, इनके काल में सर्वाधिक चित्र जो है वो निर्मित हुए थे। राजकीय चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था। ठीक है, चलिए मिटा दें इसे।
देखिए, आप देखते हैं कि किस शैली के समय कौन सा प्रभाव जो है वो अस्तित्व में आया। देखो, मुगल शैली का प्रभाव जो है अमर सिंह के समय पर आया। अमर सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव आया, क्योंकि समझौता हुआ, मुगल शैली का प्रभाव आया। किसके समय आया? अमर सिंह के समय आया। पूछा जा सकता है कि मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में आया था? तो मुगल शैली का प्रभाव जो है वो अमर सिंह के शासनकाल में आया था। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव किसके समय आया था? तो भीम सिंह के समय आया, भीम सिंह के समय। किसका प्रभाव आता है? कंपनी का। ये चित्रकारी की बातें कर रहा हूं मैं, कहीं पॉलिटिकल ले लो, ठीक है। कंपनी का जो प्रभाव है वो किसके समय आया था? तो वो भीम सिंह के समय पर इस पर कंपनी का प्रभाव आया था। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट ये है कि महाराणा भीम सिंह के समय सर्वाधिक भित्ति चित्रों का अंकन किया गया। सर्वाधिक भित्ति चित्रों का क्या किया गया? अंकन किया गया। किसके समय किया गया? महाराणा भीम सिंह के समय किया गया। भीम सिंह के समय ही कंपनी का क्या आया? प्रभाव आया। इसके अलावा महाराणा राज सिंह इनके समय पर कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक प्रचार हुआ। क्या हुआ? सर्वाधिक प्रचार जो है वो किसके समय हुआ था? तो महाराणा राज सिंह के समय हुआ था। अमर सिंह के समय मुगल शैली जो है इसका प्रभाव आया था। भीम सिंह के समय पर कंपनी का प्रभाव आता है। भीम सिंह के समय पर ही भित्ति चित्रों का सर्वाधिक अंकन जो है वो हुआ था। और महाराणा राय सिंह के समय कृष्ण लीला जो है उन कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो आया था, ठीक है। तो ये इसके चित्रकला से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जो भाग थे वो मैंने आपको बताए। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपने व्यू को, ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।